के हमारे विशिष्ट अतिथि सुनील जी पाटी जोधपुर जो हमारे बीच में बता रहे हैं, उनसे मैं राजेंद्र जी धांधल से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आपको मंच पर बता रहे और उनका सामा पहनावे राजेंद्र जी धांधल। इसी तरह मैं सागर जी SC ST रेलवे एसोसिएशन के उनसे उनका मैं सम्मान करने के लिए आप नहीं आप ऐसा क्या सर आपका सम्मान हमारी इच्छा है। हाँ सर, मैं गजेंद्र जी प्रयास से निवेदन करता हूँ करते आप मंच पर बता रहे और सागर जी का सापा पहना करके स्वागत करें और नकुल जी मेहरा से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पर बजा रहे और भागीरथ जी से निवेदन करता हूँ आप मंच पर बजा रहे और बिंदू पत्ता बनाए हैं। विशाल जी हीरागर जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सिरोही से है, उनका सम्मान करने के लिए मैं योगेश जी हंस से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप मंच पर बजा रहे और अपने सापा पहनावे और सरवण जी बहादुरपुरा से निवेदन करता हूँ भीम दुपट्टा पहना करके इनका स्वागत एवं सम्मान करें। अशोक जी चौहान साहब उनका सापा पहनाने के लिए भरत जी डांगी अशोक जी चौहान अध्यक्ष वाल्मीकि समाज आवुर उनका स्वागत सापा पहनाने के लिए भरत जी डांगी एवं भीम दुपट्टा पहनाने के लिए दिलीप जी हंस परमार सॉरी दिलीप जी परमार इसी क्रम में ललिता जी ग्रासिया गण का सरपंच हमारे बीच में पधारी है उनका सम्मान करने के लिए ये इंसिस्टर पैनल देख रहे इनका नाम रंजना जी से मैं निवेदन करता हूँ करके आप इन्हें साफा पहनाना भीम दुपट्टा ये तो शेरनी है साफा भी पहन लेती है। साफा पहनाने के लिए मैं राजलाठी जी से निवेदन करता हूँ आप इन्हें साफा पहनावे राजलाठी जी साफा तो पहना सकते हैं। अस्मित एवं चंचल सभा की ललिता जी घंटा साहब बहन हमारे बीच में बढ़ा रही है बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणपत जी मेघवाल साहब उनका स्वागत करने के लिए मैं राजेंद्र जी सोलंकी जी से निवेदन करता हूँ मंच पर बता रहे और गणपत जी का साफा पहना कर स्वागत करें और मुकेश जी से निवेदन करता हूँ का भीम दुपट्टा पहना है। हमारे बीच में अखिल भारतीय धोबी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनको हम भीम की प्रतिमा राजलाठी जी की तरफ से उनके समाज की जो प्रतिमा है वो गार्ड के बाबा जी की तस्वीर को भेंट करेंगे राजलाठी जी की तरफ से और हिंदू पट्टा कहलाएंगे दुर्गेश जी ताली बजाते रहिए भैया दुर्गेश जी पहनाएंगे। पूरी भीम आर्मी बुला दो भैया बहुत ही दबंग एवं अस्मुक दाढ़ी बढ़ाई की थोड़ी सी उम्र लग रही है लेकिन बड़े चंचल और
शांत स्वभाव के हैं ये, इनकी बोली जब ये भाषण देंगे जब सुनेंगे बहुत ही मीठे बोलते हैं ये। नवीन जी साधना नाम है इनका, राजस्थान धोबी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अभी। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बोलो संत महागाड के बाबा की जय हो। इसी क्रम में हमारे बीच में सौ शब्दों में मैं गार्गी साहब के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। गार्गी बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को हुआ महाराष्ट्र में। पूरा नाम देवीदास देवूजी, पिता का नाम जिंगराज जी जाडोरकर, माता का नाम सखुबाई। समाज सुधारक, शिक्षा के प्रति जागरूक, मूर्ति की पूजा के खिलाफ महान तर्क रखने वाले बाबा। पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा के बिना मत रखो। मेरी जहां मृत्यु हो जाए वही पर मेरा अंतिम संस्कार कर देना। मेरी मूर्ति, मेरी समाधि, मेरा स्मारक मंदिर नहीं बनाना। मैंने जो कार्य किया है वही मेरा सच्चा स्मारक है। समस्त वाल्मीकि समाज हिंदुस्तानी बेड़ा आबूरोड द्वारा सप्रेम भेंट। किशोर जी हमारे बीच में बता रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आप मंच पर बता रहे हैं। किशोर जी देखकर साहब सभी युवाओं का इच्छा है। मैं रमेश जी बुद्धा का सम्मान करने के लिए सागर रोहित से निवेदन करता हूँ, रमेश जी बुद्धा का भीम दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। रमेश जी बुद्धा। इसी क्रम राजेंद्र जी परमार साहब उनका भीम दुपट्टा पहना करके स्वागत करने के लिए मैं सूरज जी चौहान से निवेदन करता हूँ, मंच पर बना है सूरज जी चौहान। किशोर जी का भीम दुपट्टा पहनाने के लिए मैं दिलीप परमार से निवेदन करता हूँ, दिलीप भाई से मैं निवेदन करता हूँ, किशोर जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करा रहे। किरण जी रेखर साहब हमारे बीच में बता रहे हैं, मैं जगदीश जी परमार से निवेदन करता हूँ, उनका साफा पहना करके स्वागत करा रहे जगदीश जी परमार। और भीम दुपट्टा पहनाने के लिए सागर से निवेदन करता हूँ, करने के लिए भीम दुपट्टा पहना है। तोला राम जी का भीम दुपट्टा पहना करके सम्मान करने के लिए मैं विकास जी से निवेदन करता हूँ, तोला राम जी विकास मारू से निवेदन करता हूँ, तोला राम जी का भीम दुपट्टा पहना करके स्वागत करा रहे। अब मैं आज जो ये दो बहन शारदा जी तहसील उपाध्यक्ष सिरोही की है, मैं ललिता जी से निवेदन करता हूँ भीम दुपट्टा पहना करके इनका स्वागत करा रहे। अर्चना जी का स्वागत भी हमारे बहन ललिता जी अर्चना जी का भी स्वागत करा रहे। नागपुराल जी हमारे बीच रेलवे एसोसिएशन के बदर हैं, उनका भी भीम दुपट्टा पहनाने के लिए मैं गणपति देवाल से निवेदन करता हूँ, कृपया करके
नाथू मेहरा जी का भी स्वागत करा रहे। कांतिलाल जी डाबरी तहसील अध्यक्ष सिरोही उनका कांतिलाल जी डाबरी तहसील अध्यक्ष सिरोही उनका स्वागत करने के लिए मैं राजलाठी जी से निरंतरता करने करके उन्हें भी दुपट्टा पहना करके स्वागत करा रहे। भरत जी रेवधर तहसील अध्यक्ष उनका भी स्वागत करने के लिए मैं राजेंद्र सिंह भांदल उनसे मैं निवेदन करता हूं भरत जी का भीम दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। राजेश जी मणादर बता रहे यार, राजेश जी नहीं है, तहसील अध्यक्ष सिंगल राजेंद्र जी बता रहे हैं, नहीं है राजेश जी। कैलाश जी रेगर, रमेश जी बेहरवा, किशोर जी रेगर तो बता चुके। अब मैं आज के हमारे बहुत ही अच्छे संयोजक जो है, जो आज जो अपने भीम ध्वज ले रहा है उसके लिए जो 30 फीट का जो बोर्ड खड़ा किया है वह हमारे जगदीश जी परमार सर, तो मैं मोतीलाल जी से निवेदन करता हूँ अच्छा कार्य किया है। मैं पूरी भीम आर्मी की तरफ से, सभी संगठनों की तरफ से आपका बहुत बहुत सम्मान स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस मंच से आप मंच पर ही विराजे, आप मंच पर ही विराजे, कृपया करके आपका स्थान उस मंच पर है आज। अब मैं अभी मैं जगदीश जी परमार साहब से निवेदन करता हूं कि राजलाठी जी का भीम दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। जगदीश भाई से निवेदन करता हूं साफा पहनाने के लिए, मैं राजेंद्र जी धांडल से निवेदन करता हूं कृपया करके राजलाठी जी को साफा पहना करके स्वागत करा रहे। राजेंद्र जी धांडल भीम आर्मी के प्रदेश सचिव है, उनका मैं सम्मान करने पूर्व अध्यक्ष तहसील पूर्व अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए मैं हमारे नवीन जी साधना जी से निवेदन करता हूँ। राजेंद्र जी धांडल जी का स्वागत रहे ग्राम एवं जोशी ने अष्टभुज पुरुष हार्ड लीडर स्वागत करा रहे। स्वागत एवं सम्मान की इस कड़ी को मैं यही विराम देते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके कोई नाम रह गया हो या किसी का कुछ त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी क्रम में मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि आज हम समय समय पर भीम बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से जो प्रोग्राम करते हैं ऐसा हमें क्यों आवश्यक हुआ और हमें ये नीला सलाम और नीले दुपट्टे को हमेशा लहराने का की वजह क्या हुई जो हमें करना पड़ा। कुछ सामान्यवाद और मनोवाद ताकतें जो है वो हमारी आवाज को दबाना चाहती है, हमारे इन दलित भाइयों के साथ में शोषण करना चाहती है और शोषण करती है और उसी को हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए हमें समय समय पर इस तरह का प्रोग्राम करना करते हैं और वे बताते हैं कि हम एकजुट हो चुके हैं, अब आप हमारे साथ में इस तरह का कोई भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में मैं गणपति बेगर साहब से निवेदन करता हूँ कृपया करके आप अपना उद्बोधन देकर के हमें लाभान्वित करा रहे। गणपति बेगर तहसील अध्यक्ष अंबेडकर सेवा समिति आमरोड़।